और उत्तरकाशी से बड़ी खबर है, गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद है। बिशनपुर और नेताला के पास भूस्खलन के बाद बंद हो गया है हाईवे। हाईवे पर मलबा आने के कारण रास्ता बंद है। राहगीरों को आवाजाही में हो रही है परेशानी। बीआरओ की मशीनें रास्ते से मलबा हटाने में जुटी हुई है। तो आपको बता दें कि गंगोत्री नेशनल हाईवे फिलहाल बंद है, जिसको खोलने के लिए बीआरओ की टीम जुटी हुई है। हाईवे पर मलबा आ गया था, जिस वजह से इस सड़क के दोनों तरफ वाहन फंसे हुए हैं। यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीआरओ की टीम फिलहाल रास्ता खोलने में जुटी हुई है। तो बिशनपुर और नेताला के पास भूस्खलन के बाद ये रास्ता बंद है, सड़क पर मलबा आ गया है। उत्तरकाशी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां हाईवे बंद है और श्रद्धालु फंसे हुए हैं। सड़क पर मलबा हटाने का काम चल रहा है। पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से कहीं से मलबा आकर सड़क पर गिर रहा है, तो कहीं नदियों का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए फिलहाल गंगोत्री नेशनल हाईवे जो बंद था, उसे खोलने का काम जारी है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी हेमकांत नौटियाल इस वक्त जुड़ गए हैं। हेमकांत, फिलहाल कितना वक्त और लग सकता है इस हाईवे को खोलने में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग तीन जगहों पे बंद हुआ है, बिशनपुर पे, साइंस के पास और नेताला के पास। खासकर जो बिशनपुर है, वहाँ पे लगातार जो है पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिर रहा है, जिसके कारण हमने देखा कि बीते जो दो तीन रोजे पूर्व है, वहाँ पे जो है मार्ग बंद हुआ था। मार्ग इसके कारण वहाँ पे जो कावड़ यात्री आजकल जो है गंगाजल, गंगोत्री से गंगाजल भरने के लिए आ रहे हैं, वो भी वहाँ पर फंस गए हैं। और हालांकि बीआरओ जो है वहाँ पे मार्ग खोलने में जुटा जरूर है, लेकिन दिक्कतें वहाँ पर ये आ रही है कि लगातार वहाँ पे लैंडस्लाइड हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद हुआ है डाबरकोट के पास, उसको खोलने का भी प्रयास जो है एनएच विभाग बड़कोट की तरफ से किया जा रहा है, और लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से भी जो है अपील की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हेमकांत इस जानकारी के लिए।